हाँ जी बच्चों, आपका 57 सम आपके सामने। सेल्स आपके पास है 2 लाख की, जीपी है 25, किसका? कोस्ट का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग का 1/3 है, ओके। मतलब अपने पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो ओपनिंग को हम आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक वाज, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेल्स का 30 है। इसका मतलब सेल की हेल्प से अपने पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। चलो स्टार्टिंग से चलते हैं, क्योंकि इसमें मुझे क्या चाहिए रेशो निकालने के लिए? दो चीज़ें चाहिए होती है ना, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको चाहिए होगा, एक आपको स्टॉक का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब यहाँ पे जो जीपी है वो किस पे है? कॉस्ट पे। क्या कॉस्ट आपके पास सामने है? नहीं है, आपके पास तो सेल्स है ना। तो आप यहाँ पे ना कॉस्ट को एज्यूम कीजिए 100, तो जीपी कितना आ जाएगा? कॉस्ट का 25 है तो ये 25 आ गया, इन दोनों को मिला के सेल्स कितनी आ गई? 125। ध्यान से बच्चों, आपने 100 उसको मानना है जिस पे जीपी का रेट गिवन है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट पे है ना, मान लो यहाँ पे कॉस्ट दी होती तो आपका सम सीधा हो जाता, बट कॉस्ट नहीं है तो आप कॉस्ट को 100 मानोगे। अब सेल्स आपकी 125 है, बिल्कुल कल के जैसे, तो कॉस्ट कितना है? 100, एक है तो 100/125। सेल्स आपके पास है कितनी? 2 लाख है, तो 2 लाख इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा जी 160, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 160, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टॉक की बात की जाए, सबसे पहले ना आप निकालो क्लोजिंग स्टॉक। कहते हैं सेल्स का 30 है, ये देखो, तो इसका मतलब सेल्स आपके पास 2 लाख है, 2 लाख आप 30 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 60,000, ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग को लेके इसने कहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 है। क्लोजिंग आपके पास 60 आया, इसका 1/3 आपके पास आ गया 20,000। इन दोनों की हेल्प से हमें जिस चीज़ की नीड है वो आ जाएगा, यहाँ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय में 2, ये आपके पास आ गया 40,000, ठीक है। तो रेशो निकाल लो 160/40, ओके है ना।